नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, खबर रोहतास से। विक्रमगंज अनुमंडल में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थान में प्रजापिता ब्रह्मा का स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें शामिल हुए विक्रमगंज SDM उपेंद्र कुमार पाल, जेल सुपरिटेंडेंट किरण कुमारी, जेलर साहब निर्मल कुमार, जज साहब मुकेश कुमार मिश्रा। तो आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिकारियों ने क्या कहा। हमको जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में शांति रहे, अभी क्या है, हर आदमी परेशान है। क्यों परेशान है? धन के लिए। क्यों परेशान है? मन में अशांति है। क्यों अशांति है? क्योंकि मन में लालच है, अधिक प्राप्ति की इच्छा है। जो मेरे पास है उसे संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसके लिए परेशान है। अपना जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे के पास जो है वो अच्छा लग रहा है। इसी कारण से व्यक्ति अशांत है, और इस अशांति के कारण उसका जीवन जो है वो तकलीफों से भरा हुआ है। तकलीफ है तो तरह तरह की बीमारियां है ना, हमेशा मन स्थिर नहीं रहता है। तो जब मन चित्त शांत होगा तो सारी चीजें आपके जीवन में सफलतापूर्वक होती चली जाए। उसी उद्देश्य की पूर्ति में ये विश्वविद्यालय जो है काफी अच्छा काम कर रहा है। मैं खुद इस विश्वविद्यालय में जो मेन जहाँ मुख्यालय है माउंट आबू में, वहाँ भी मैं जाके घूम के देख के आया हूँ। विश्वास कीजिए, शांति आपको तभी मिलेगी जब आप चीजों को जानेंगे, समझेंगे और मन से लोभ लालच का परित्याग करें। और लोभ लालच का परित्याग तभी होगा जब आदमी का मन चित शांत होगा। जी जी। और शांति तभी होगी जब आप किसी एक की आराधना में आप लीन रहें। जी। जब किसी की आराधना में, उनकी आराधना के बारे में आप सोचेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, अपना जीवन को नियमित करेंगे। ओम शांति से हम लगभग 10-11 साल से जुड़े हुए हैं। किसी भी कारा में जेलर के पद पे तो वहाँ पर ओम शांति की बहन आती रही हैं, और बहुत से बंदियों पर अपना अच्छा वचन देके उनको मोटिवेट करके उन बहुत से दीवाने हो गए थे कि नहीं हमको बुलाइए। अगर 2-3 महीना हो जाता था तो कुछ बंदी हमारे पास इसकी पैरवी करते थे कि ओम शांति बहन सबको बुलाइए, वो सुबह में जो मुरली होता है वो होगा, हम सुनेंगे, हमको अच्छा लगता है। और इस तरह से काफ़ी मोटिवेट किया यहाँ के संस्था, यहाँ के वो हवा जो उनका एटमोसफेयर था, उससे कुछ ऐसे मंदिर जो प्रीमियर प्रवृत्ति के रहते हैं वो काफ़ी चेंज हो गए। सुबह सुबह नहा धोहा के 6:30 तैयार होते थे, ऐसे वो 10 बजे तक सोया रहता था, अपने वहाँ उठता नहीं था। तो उन लोग के आने से ये हुआ कि हाँ एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे बड़ा बड़ा क्रिमिनल जो होता है वो सब आगे सुनने लगा, दीवाना हो गया इनका जो आज के युग में। सबसे बड़ी विपदा क्या है? यही कि मनुष्य और मनुष्य में प्रेम और सद्भाव नहीं है। यही कि आज सर्वत्र घृणा, भय,
संदेह और मनमुटाव का बोलबाला है। फलस्वरूप जहां देखो वहां लोग परस्पर या तो पर निंदा पर चर्चा में रत हैं अथवा आपस में मर कट रहे हैं। श्री रामचरित मानस के अनुसार सुमति से संपदा होती है और कुमति से विपदा आती है, और यही कुमति आज सर्वत्र व्याप्त है जैसे वह सर्वोपरि है। सोचने की बात है कि ऐसा क्यों? कहा जा सकता है कि इसका एक प्रधान कारण मानसिक गिरावट है, मनुष्य के मनोबल का ह्रास है। तब प्रश्न यह उठता है कि मानसिक गिरावट अथवा मनोबल के ह्रास के मूल में भी क्या है? मानवता को ऐसी दुर्दशा में पहुंचाने वाला और उसे दानवता में परिवर्तित करके अति दुखी बना देने वाला हमारा परम शत्रु कौन सा है? स्वयं भगवान ने गीता में कहा है, समय के फेर से अथवा काल चक्र में योग और ज्ञान के रहस्य प्रायः लोप हो जाया करते हैं। वस्तुतः इसी कारण धर्म ग्लानि होती है, पतन पराभव होता है और विपताजनक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाया करती है, जो कि आज एक बार पुनः उत्पन्न हो गई है। अतः आज परमपिता परमात्मा के पुनः दिव्य अवतार और योग तथा ज्ञान के वास्तविक रहस्यों द्वारा मानवता के उद्धार का अलौकिक कर्तव्य संपादित करने का शुभ समय उपस्थित है। यह वही समय है जबकि हम पुनः परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सृष्टि के संपूर्ण ईश्वरीय सत्यों को समझ सकते हैं और प्रभु के बनकर अपना सौभाग्य जगा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न का सही उत्तर एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति का भी एक ही योग हो सकता है और परमात्मा का ज्ञान भी एक ही हो सकता है। तो वह एक यथार्थ योग और एक यथार्थ ज्ञान क्या है? निसंदेह गीता में जिसे राजयोग कहा गया है वही वह यथार्थ एवं सर्वश्रेष्ठ योग है, और निर्विराद रूप से गीता प्रसिद्ध ईश्वरीय महावाक्यों का ज्ञान ही यथार्थ एवं सर्वोत्तम ज्ञान है। यह वही है जिससे परमात्मा से आत्मा का संबंध जुट जाए और परमात्माओं के जन्म जन्मांतर के चक्र का समग्र रहस्य समझ में आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवी, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगी आर भारत टीवी के चीफ रिपोर्टर आर के सिंह जी को और साथ ही साथ रिपोर्टर अक्षय बच्चन जी को, और आप सभी इस चैनल को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें।